आईपीएल के 13वें सीजन का 42वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अबू धाबी में खेला जा रहा है। दिल्ली ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। कोलकाता के लिए नीतीश राणा और शुभमन गिल के साथ ओपनिंग किया। गिल ने सिर्फ 9 रन ही बना सके और नौकिया की गेंद पर आउट हो गए। अक्षर पटेल ने उनका कैच पकड़ा। इसके बाद राहुल त्रिपाठी को बोल्ड कर नौकिया ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। दिनेश कार्तिक सिर्फ 3 रन ही बना सके, उन्हें कगिसो रबाना ने आउट किया। वहीं नौकिया 2 विकेट मिले। कोलकाता ने पावर प्ले में सिर्फ 36 रन बनाए, जहां उनके 2 विकेट भी गिरे। दिल्ली और कोलकाता की टीम में आज 2-2 बदलाव किए गए। पृथ्वी शॉ और डेनियल सैम्स की जगह अजिंक्य रहाणे और एनरिक नौकिया को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। वहीं कोलकाता में कुलदीप यादव और टॉम बैंटन की जगह सुनील नारायण और कमलेश नागरकोटी को टीम में जगह मिली। कार्तिक और राणा से एक अच्छे साझेदारी की उम्मीद की जा रही थी, मगर रबाडा ने 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर कार्तिक को पंत के हाथों कैच आउट करवा दिया। बल्ले से केकेआर संघर्ष कर रही थी, कार्तिक 3 रन ही बना सके। अटैक पर अश्विन आए और सुनील नारायण ने उनके ओवर की दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर जोरदार छक्का जड़ा। केकेआर इस समय कुछ ऐसे बड़े शॉट की जरूरत थी। 10वें ओवर के लिए अटैक पर आए तुषार देशपांडे और नरेन ने उनका स्वागत पॉइंट के ऊपर से गेंद को चौके मारकर किया। फिर राणा और नरेन ने हाथ खोलना शुरू कर दिया। 10वें ओवर में देशपांडे की गेंद पर केकेआर के खेमे से 2 चौके और 1 छक्का आया। इस ओवर में 18 रन लुटाए देशपांडे ने। केकेआर के लिए बेहतरीन ओवर नरेन और राणा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी। 12वें ओवर में अश्विन की गेंदों पर दोनों ने मिलकर 1 चौका और 1 छक्का लगाया। इस जोड़ी की बदौलत केकेआर 100 रन के पार पहुंच गई। वहीं दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरा हुआ। नौकिया ओवर में आखिरी गेंद पर राणा ने चौका जड़ा और इसके साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। राणा ने अपनी शानदार पारी में 7 चौके और 1 छक्के मारे। उन्होंने इस पारी में केकेआर को भी संभाला। 15वें ओवर के लिए अटैक पर अश्विन आए और नरेन ने उनका स्वागत चौका जड़कर किया। अश्विन की पहली गेंद पर चौका जड़ने के ही अगली गेंद पर नरेन ने 2 रन लिया और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। उन्होंने 24 गेंदों में यह कमाल किया, पर नरेन इसके बाद जल्दी ही आउट हो गए। दिल्ली कैपिटल्स के तेज गेंदबाज रबाडा ने नरेन को आउट कर केकेआर को बड़ा झटका दिया। तब तक नरेन अपना काम कर चुके थे और राणा के साथ मिलकर टीम के स्कोर को विशाल बना चुके थे। नरेन के आउट होने के बाद केकेआर के कप्तान मॉर्गन बल्लेबाजी करने आए और राणा के साथ मिलकर टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाते रहे। एक तरफ राणा ने दिल्ली गेंदबाजों की जमकर खबर ली। अब देखना रोमांचक होगा कि कौन सी टीम इस मैच को जीतकर अपना दबदबा बनाने में कायम रहती है।